परंपरा एक देवलोक की कथा जो देवगुरु बृहस्पति का सम्मान नहीं किया देवताओं ने, ये आज की बात नहीं पहले से चली है परंपरा। जब मनुष्य के अंदर खुशहाली होती है, जब मनुष्य थोड़ा सा हेल्थ और वेल्थ से मजबूत नजर आता है, तो उस समय कोई कहे माता जी आज वो सुंदर काम का पाप करते हैं, तो माता जी कहे लो ये भी कोई काम मेरा काम थोड़ी है। और भगवान ना करे कोई घर में परिस्थिति ठीक नहीं है, शरीर की स्थिति ठीक नहीं है, बच्चों की पोजीशन ठीक नहीं है, बिजनेस का वो ठीक नहीं है, तो माता जी बिना बुलाए टेलीफोन करेंगे दीक्षित जी सुंदरकांड कितने बजे शुरू होगा, क्योंकि जरूरत है कि समाज ऐसा है जिस दिन हमारे जीवन में कुछ खुशहाली नजर आती है, हम परमात्मा से रिलेटेड धर्म से जुड़े हुए कर्मों को बहुत छोटा मानने लग जाते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा पूर्ण रूपेण सुखी संसार में कोई भी रहने वाला नहीं। आज ये देख रहा था सुंदरकांड पढ़ रहे थे हमारे पंडित जी, पहले भी कितने वर्षों से मैं आ रहा हूं, 20-30 लोग यहाँ बैठे होते थे चौपड़ी लगा के, इधर से ब्राह्मण की आवाज आती थी, उधर से आप लोग पढ़ते थे, आज सन्नाटा छाया हुआ। क्या इतना समय नहीं था लोगों के पास, आवश्यकता नहीं समझ रहे, उस कर्म को महत्व नहीं दे रहे हैं जिस कर्म के आधार पर हमारे चित्त में विकास होगा, जिस कर्म के आधार पर हमारे अंतर सोई हुई मानवता जागृत होगी, जिस कर्म के परिणाम से हमारे चित्त में परमानेंट शांति पीसफुल टाइम आने वाला है, समझ नहीं पा रहे केवल लाल कहां करने से क्या मिलेगा, कौन सी पूजा कौन सा प्रसाद चढ़ाने से क्या होगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा और हम सब लोग भागे फिर रहे। तो नाम रूप लीला और धाम ये चारों मेरे जगन्नाथ भगवान के हैं, तो उनको भागवत के द्वारा अलग अलग सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को माध्यम बना करके ये चर्चा दिया है। नौ स्कंद में सूर्यवंशी राजाओं की चर्चा है, बहुत महान ये परंपरा है, यज्ञ की विशेषता है, यज्ञ के कारण इस परंपरा में बहुत बड़े बड़े सूरवीर परम प्रतापी राजाओं का नाम आता है, लेकिन एक राजा ऐसे हैं जिन्होंने कर्तव्य का पालन किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का उन्होंने निर्वाह किया है, लेकिन अपनत्व कहीं नहीं है। अपनत्व आप फ्लाइट में बैठते हैं, वो जो एयर होस्टेस होती हैं, वो सब कुछ प्लेट कप वगैरह वगैरह सारा कुछ करती हैं, लेकिन जैसे ही फ्लाइट लैंड हुआ वो अपनी यूनिफॉर्म डाल के हाथ जोड़कर खड़ी, उसके बाद हमसे भी पहले, कई बार हम इमिग्रेशन में आते हैं उससे पहले ही वो वहां पहुंची होती है, उनको कुछ लेना देना नहीं कि ये कप इतना महंगा था, ये प्लेट इतनी अच्छी थी, हमारे जैसे तो दो चार चम्मच बैग में भी डाल देना, लेकिन वो बिल्कुल उपेक्षित भाव से, क्योंकि वो समझते इतनी देर तक मेरी ड्यूटी थी, इतनी देर तक ये संभालने के लिए मुझे रिस्पॉन्स मिला था, अब वो टाइम हो गया, फ्लाइट लैंड हो गया, अब हमारा उससे कुछ लेना देना, अब नेक्स्ट स्टाफ आएगा वो संभालेगा, चुपचाप चल देते हैं। ऐसे ही सर्वग्रहस्थ को करना चाहिए, जब तक दुनिया में
उस स्टेट की पोजीशन को हमें संभालना है, उससे आगे निकल गए, अब आगे की बात देखें। देव भगवान यही कहते हैं। तो राजा बहुत बड़े राज्य के वो स्वामी है और उस राज्य को संभालते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री सुकोवाच अम्बरीशो महाभार सप्तदीपवतीं महे अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि वासुदेवे भगवती भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परं विश्वम् एनीदं लोष्टवत स्मृतम् सवे मनः कृष्ण पदारविन्दयो वचांस वैकुंठ गुणानुवर्णने करोर हरिर मंदिर वाजनादिशो श्रुतिं चकार चुक्स ततोदये अहम हरि ऐसे राजा कितनी रिस्पॉन्स को लेकर वो चल रहे हैं, लेकिन शास्त्रकार ऐसा कह रहे हैं कि मन से उन्होंने कभी राज्य का चिंतन नहीं किया। मन तो खाली नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ सोचेगा वो मन। तो महाराज ने अपने मन को कहां टिकाया हुआ है, सभी मन कृष्ण पादारविन्दयो हर क्षण हर प्रकार से अपने मन को महाराज अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में टिकाया हुआ है। और जीवन का ऐश्वर्य संसार में कहां बताया गया हमें, वास्तविक सुख कहां बताया गया है, मनुष्य का संपूर्ण पुरुषार्थ पूर्ण होने का हेतु कहां बताया जा रहा है। भगवान चरणाम्बुजम् भगवान के चरण, परमात्मा के चरण, इसलिए हम गाते भी हैं, तेरे चरणों में चारों धाम, तेरे चरणों में बसूं आठों आम, तेरे चरण कमल में श्याम लिपटी जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तुम तो मन को अर्पण हो,
भगवान के चरणों से आया कौन कौन? गंगा जी कहां से आए? शंकर जी के चरण से, जगह में तो बाद में पहुंची, मूल चीज है ना, मूल चीज कहां से? पृथ्वी का, पृथ्वी कहां से आई? भगवान के चरणों से। जितने ये पंचभूत हैं, ये परमात्मा के चरणों से ही पोषित है। आकाश है, जल है, वायु है, अग्नि है, और जो भी भगवान के चरणों से उत्पन्न हुए हैं, ये संपूर्ण मनुष्य के लिए है। हम इनमें से किसी के बिना रह नहीं सकते। हम न पृथ्वी के बिना रह सकते हैं, ना आकाश के बिना रह सकते हैं, ना अग्नि के बिना रह सकते हैं, ना जल के बिना रह सकते हैं, ना वायु के बिना रह सकते हैं। चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई प्रजा हो, इन पंचभूतों की आवश्यकता मनुष्य को नितांत, प्राणी मात्र को नितांत, और इनके ही माध्यम से हमारी जीवन यात्रा को सफल करने के लिए, जीवन सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसी अनुभूति, एक ऐसा वरदान, एक ऐसी उपलब्धि, एक ऐसा सूक्ष्म तत्व हमें अनवरत प्राप्त होता है, जिससे हमारे प्राण सुरक्षित है। क्या नाम है उसका? जिसके बिना जीवित नहीं रह सकते हम, ऑक्सीजन। इन पांचों से मिला हुआ है ऑक्सीजन, केवल वायु से नहीं होता, उसमें कुछ कुछ सार है। जैसे कोई स्वादिष्ट भोजन सब्जी बनाया आपने, तो केवल जीरा नहीं बनाता उसको, बहुत सारी चीजें उसमें डालकर आप उसको एक स्वादिष्ट पकवान का रूप देते हो। खाली जीरा मेथी से थोड़ी बनती सब्जी। तो इन पांचों पंचभूतों से वो सार तत्व निकल कर आता है हमारे प्राणों की सुरक्षा के लिए, उसका नाम है ऑक्सीजन। लेकिन दिखता नहीं हो, आज तक किसी ने नहीं देखा। सिलेंडर में आप भरें तो जब तक उसमें गैस है तो वो भारी लगेगा, लेकिन निकल जाएगा तो हल्का हो जाएगा, तो दिखाई नहीं पड़ता। बड़ी विचित्र सी बात है, दिखाई नहीं पड़े। हम बद्रीनाथ में कथा करने के लिए 12 सिलेंडर ले गए थे ऑक्सीजन का, 12 सिलेंडर ले गए। संजोग बस दिल्ली से आई हुई माता 12 के 12 सिलेंडर वही पी गई, ऐसी व्याधि। पूरा एक व्यक्ति ने 12 सिलेंडर खा लिया, ठाकुर ने कृपा करी कि किसी का आवश्यकता भी नहीं पड़ी, नहीं तो कहां से लाते ऐसे। अब तो सुविधाएं वहां हो गई, लेकिन जब हम गए थे 2006 में तो इतनी सुविधा नहीं थी। केवल बद्री विशाल की अनुकंपा थी, केवल सद्गुरुदेव के चरणों का आश्रय था, बस दो चीजों को लेकर हम गए थे। तो जो चीज महत्व की है वो इन चरण चक्षुओं से दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जीवन में अत्यंत उपयोगी है, उसका केवल केवल अनुभव है। आप कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा, आप यहां आते हो, परमात्मा करे आपके अंदर खुशहाली रहे, परमात्मा करे आपके अंदर से रोग दूर रहे। तो आप, मैं पूछता हूं हाल कल कैसा बीता, साल एक साल बाद आप मिले हैं, कैसा बीता? तो आप में से लोग कहते हैं ठाकुर की बड़ी कृपा है, ठाकुर की बड़ी कृपा है। हमने कहा एक दो बाल्टी कृपा इधर रख देते हैं, आपने कहा वो स्वामी जी बाल्टी में रखने वाली चीज नहीं है,
अनुभव गम्य है तो सर्वस्व समर्पण भाव से ये सूर्यवंशी परम प्रतापी राजा जिनका नाम मैंने क्या बोला अभी आप लोग कहां गए मनुष्य को स्मृति की चिंती बुरा मत मानना हम हमारे जैसे लोगों को याद क्या चीज रहता है जिस चीज को हम इंपोर्टेंस ज्यादा दें वो हमारे चित्त में दुर्योधन वहां आया इंद्रप्रस्थ में आया कितना आव भगत किया गया 18 दिन वहां वो रहा 18 दिन में एक दिन भी उसको कोई पुरानी डिश खाने को नहीं दिया गया एक एक वहां का विशेष मेहमान था उनके बीच का अरे प्यार करने वाले तो मेहमान होते हैं लेकिन जो हमारे बीच में रह करके हमको नष्ट करना चाहे वो तो बहुत खास व्यक्ति हो गया तो उसका 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 रूपांतर भी बड़ा बहुत खास तरीके से था कितनी तरह की पारितोष उसको दिया गया मान सम्मान ये सब सब कुछ लेकिन दुर्योधन को कुछ भी याद केवल एक शब्द याद है केवल एक शब्द याद है अंधेर की औलाद अंधेरी हुई अच्छा ये बताओ याद रखने वाली चीज है या भूल जाने वाली चीज है याद रखने वाली चीज है नहीं पर टॉपिक क्या है मानवता के आधार पर ये रखने वाली चीज है या खत्म करने वाली चीज है लेकिन उसको नहीं खत्म कर पाते हमारे आपके अंदर भी एक एक दुर्योधन बैठा हुआ है वो तो एक तो एक प्रमाणिक रूप में सगुण साकार चित्रण किया गोविंद ने लेकिन हमारे आपके जीवन यात्रा में कहीं दुर्योधन है कहीं रावण है कहीं कंस है सब बैठे इन सब से संघर्ष करते हुए हमारे हृदय में कहीं कृष्ण भी है बुरे से बुरे लोग भी हैं पर हमारे आपके हृदय में अच्छे से अच्छे लोगों की भी कमी इसलिए हम कभी सूर्य नारायण को नमस्कार कर लेते हैं कभी साधु महात्माओं के प्रति हम अपना उद्गार व्यक्त कर देते हैं कभी अपने जीवन के परिश्रम से कुछ पूंजी ला करके धर्म कार्य में प्रयोग कर लेते हैं जीवन यात्रा घर परिवार को चलाने के लिए जो जो चीजें होती हैं कभी हम उत्सव में सम्मिलित होकर के कुछ वैष्णवों के लिए कुछ सत्संगियों के लिए भोग भोजन प्रसाद आदि भी योगदान भी दे देते हैं वो कौन करवाता है वो न रावण कराता है न दुर्योधन कराता है न दुशासन कराता है न कंस कराता है वो कार्य को हमारे जीवन से श्री कृष्ण कराते हैं धर्म का कार्य कृष्ण धर्मो एकम अधिको विशेषा धर्मेन हीना पशु भी समान धर्मो रक्षति रक्षिता धर्म का कार्य केवल भगवान करवाते इसीलिए कहा जदा जदा ही धर्मस्य ये उनके आने की बेला भगवान बार बार कहते हैं धर्म का हरासमेंट कभी देख नहीं सकते दया धर्म जब जब घटे बढ़े पाप अभिमान तब तब जग में जन्म ले मेरे कृष्ण भगवान धर्म का कार्य हमारे जीवन से गुरु और गोविंद की कृपा से होता है और अधर्म की रुचि वो हमारी अपनी कृपा से होता है वो हमारा अपना डिसीजन है
कभी किसी के माता पिता ने ये नहीं कहा होगा बेटा कुछ झूठ बोल दिया करो, कभी किसी के माँ बाप ने कहा ऐसा? गुरु पर मत जाइए, बड़ों पर मत जाइए, आचार्य पर मत जाइए, ब्राह्मण पर मत जाइए, शास्त्र पर मत जाइए। हमारी जीवन की यात्रा तो हमारे घर से, हमारे माँ की ममता से शुभारंभ होती है। लेकिन कभी भी हमारे जीवन में अभाव हो सकता है वस्तुओं का, पद प्रतिष्ठा का अभाव हो सकता है, वनस्पति वस्तु सुविधा सामग्री का अभाव हो सकता है, लेकिन हमारे घरों में, हमारी परवरिश करने वालों ने, हमारी उंगली पकड़ कर हमें सहारा देकर चलना सिखाने वालों ने कभी भी हमें असत्य के लिए प्रेरित नहीं किया। हर व्यक्ति को मनुष्य कर्तव्य सच्चाई से रहना। हमारे घर सर्वेंट भी आता है, उसको भी हम कहते रामू झूठ मत बोलना, सच्चाई से रहना तो तनख्वाह बढ़ा देंगे। हम सत्य की संतति है, अपने स्वभाव व हम असत्य में प्रवृत्त हो जाते हैं, हमारा स्वभाव हमको ले जाकर डुबाता है। जब कभी हमारे अंदर पॉजिटिविटी बने, जब कभी धर्म में अनुवृत्ति बने।